नमस्ते सभी किसान भाइयों को। मैं नितिन पवार महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और एक फार्मर हूँ और एक यंग फार्मर हूँ, एजुकेटेड फार्मर हूँ। तो मैं पिछले 5-6 साल से ओनियन सीड्स की, जो कि प्याज का बीज बोलते हैं हिंदी में, उसकी हम खेती करते हैं। पिछले 5 साल से हम उसकी खेती कर रहे हैं। अभी हमने इस साल के लिए एक पुना फुरसुंगी करके, जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चलता है स्टोरेज के लिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टोरेज के लिए ये प्याज यूज होता है महाराष्ट्र में, और पंजाब, हरियाणा, MP, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, इस राज्यों में भी इसका बहुत सारा यूज होता है। जबकि विंटर सीजन चालू होता है तब से ये प्याज लगने को शुरुआत होता है। तो अभी हमने इसका सीड के लिए, अभी इसको खेत में हम बो रहे हैं। आप देख सकते हो कि हमने ये प्याज सिलेक्ट किया है, बहुत अच्छा क्वालिटी का प्याज हमने मार्केट से सिलेक्ट करके अभी ज़मीन में उसको डाल रहे हैं। तो ज़मीन में डालते समय क्या प्रोसेस रहता है, क्या कौन सा डोज देना चाहिए, कौन सी दवा देना चाहिए, इसकी हम अभी जानकारी देने वाले हैं। तो जब हम मार्केट से प्याज लाते हैं तो मार्केट से लाने के बाद उसको धूप में अच्छे से सुखा देना। उसके बाद जब प्याज लगवाना है, उसके 2 दिन पहले उसका जो 1/3 पार्ट रहता है, जो ऊपर का जो हिस्सा रहता है, उसको कट कर देने का। कट करने के बाद उसको और 2 दिन धूप में सुखा देने का। उसका ये फ़ायदा होता है कि जो धूप से उसका जो वेटनेस रहता है, मतलब गीला जो रहता है, वो सूख जाता है। सूखने के बाद उसको जब तुम ज़मीन में डालोगे तो उसका जर्मिनेशन अच्छा आता है, वो उगने के लिए अच्छा रहता है, अच्छा उगता है। इसके लिए उसको सूखा काट के सुखाना चाहिए, फिर ज़मीन में डालना चाहिए, फिर उसको ज़मीन में डालने के बाद वो अच्छे से उगता है। तो हमें जो लगाते हैं तो इसको इरिगेशन पे लगाते हैं। आप देख सकते हो हमारा इरिगेशन है, ठिबक सिंचन बोलते हैं इसको मराठी में। तो इरिगेशन से हम इसको बोते हैं खेत में, और जो इरिगेशन का जो 2 पाइप दिख रहा है उसका बीच का डिस्टेंस जो है, अंतर जो है, वो 4 फिट का रखते हैं, और जो 2 प्याज में जो डिस्टेंस है वो 4-4 इंच का हम रखते हैं। मतलब 4 उंगलियाँ का अपना डिफरेंस अंदाजे रखते हैं। तो आप देख सकते हो कि हम ऐसे प्याज लगा रहे हैं। हमारे खेत में भी मजदूर है, काम कर रहे हैं, मजदूर से हम काम करवाते हैं। तो उसके बाद आता है कि इसको जब लगवाते हैं तो कौन सा डोज देना चाहिए। तो डोज है, मैं आपको बताता हूँ डोज कौन सा भी, एक सुपर फास्फेट या 20-20-13, उसके बाद को भी DAP 18-40 DAP जब लगाते समय इसको डाल देना चाहिए। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट डोज। उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद अगला डोज रहता है। उसके बाद रहता है यूरिया, आप डाल सकते हो 20 से 25 दिन के बाद। उसके बाद 2.5 महीने के बाद एक और डोज देना चाहिए। उसमें कौन सा भी NPK जो आता है, NPK कोई भी डाल सकते हो, 16-16, 15-15 कोई भी NPK आप डाल सकते हो। और लास्ट में लास्ट डोज रोज जो रहता है उधर जाता है पोटैश जो खत रहता है वो डाल सकते हो आप। तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा प्याज का जो कण रहता है, जो बीज रहता है, उसका क्वालिटी अच्छा आता है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा पूरा है, अभी चल रहा है काम। अभी आज तो हमने लगवा दिया है पूरा, तो अभी ये बराबर 5 महीने के बाद अपने को इसका सीड मिलेगा। ये वैरायटी है पुना फुरसुंगी करके, एलोरा में, अच्छा क्वालिटी है, स्टोरेज के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत जगह पे हमारे महाराष्ट्र में सबसे पसंदीदा ये सब फसल है प्याज में, ठीक है। अगर फ्यूचर में कभी भी किसी को मेरे साथ काम करना है सीड में, कर सकते हो। अच्छा क्वालिटी का सीड हमारे पास मिलेगा, जर्मिनेशन 95% के ऊपर आता है मेरे सीड्स का। और यही आशा करता हूँ कि सब लोग इसको इससे मेरा जो नॉलेज है मैंने आपको दिया। तो यही बताना चाहता हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम आया कुछ भी, अगर भविष्य में कभी सीड लगेगा तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।
और सबका धन्यवाद जो मेरा इतना बड़ा वीडियो आपने सुना।